कादर खान की कमी महसूस होगी। 2002 में साथ काम करने वाले दो एक्टर्स कौन हैं जो इस फिल्म में फिर से साथ काम करने वाले हैं? क्या ये फिल्म जुड़वा 2 की तरह डिजास्टर साबित होगी? हेलो, मेरा नाम है निदा और आज बात होगी मूवी कुली नंबर 1 की। क्या ये मूवी किसी फिल्म का रीमेक है? अगर हाँ तो इस फिल्म में किस किस स्टार्स को जगह मिली है? इस सारे सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर रीमेक की बात की जाए तो ये फिल्म सच में कुली नंबर 1 का रीमेक है, जो कि 95 में आई थी, जिसमें करिश्मा कपूर, गोविंदा, कादर खान ने अहम किरदार निभाया था। उस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने और आज भी ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं डेविड धवन। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फिल्म डेविड धवन रीमेक नहीं करना चाहते थे? कौन सी है वो फिल्म जिसका वो रीमेक बनाना चाहते थे? तो इसका जवाब है साजन चले ससुराल, जिसमें गोविंदा दिखाई दिए थे। उस फिल्म का वो रीमेक करना चाहते थे, लेकिन कुछ बातों की वजह से वो फिल्म ड्रॉप हो गई और इस फिल्म को रीमेक करने के लिए डेविड धवन ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। कौन है वो एक्टर जो इस फिल्म में कादर खान का किरदार निभाता नजर आएगा? क्या वो इस इम्पोर्टेंट रोल को निभा पाएंगे? कौन है वो एक्टर? क्या वो ऑडियंस की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? ऑडियंस का तो नहीं मालूम, लेकिन डेविड धवन की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतर चुके हैं परेश रावल। इस फिल्म में कादर खान का किरदार निभाने वाले हैं परेश रावल। इससे पहले आपको बता दूं कि 2013 में आई हिम्मत वाला में भी कादर खान का किरदार परेश रावल ने ही निभाया था, लेकिन वो फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। तो क्या ये फिल्म भी हिम्मत वाला की तरह पिट जाएगी? क्या ये मूवी में परेश रावल कादर खान के रोल में चमक जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको पता है कि इस फिल्म में किस स्टार किड को जगह मिली है? वो कोई और नहीं, पटौदी परिवार का सारा प्यार पाने वाली सारा अली खान है। इस फिल्म में वो करिश्मा कपूर के रोल को प्ले करती हुई नजर आएंगी। लेकिन लव आजकल 2 में उनकी एक्टिंग देखने के बाद मुझे लगता है कि उनके फेस और सरनेम की वजह से इस फिल्म में उनको जगह मिली है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस फिल्म में अगर सारा अली खान नहीं होती तो किस एक्ट्रेस को जगह मिल सकती थी? ये सारी ही बातें आप बता सकते हैं बॉलीग्रैड स्टूडियो के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। बाकी चलते हैं कि क्या ये फिल्म नए सिरे से नई स्टोरी लेकर आएगी, या फिर ये फिल्म पुरानी कुली नंबर 1 का पूरा रीमेक साबित होगी। जैसे हॉलीवुड में रीमेक बनता है तो जहां फिल्म खत्म होती है दूसरे पार्ट में वही स्टोरी फिर से स्टार्ट हो जाती है, क्या इसी तरीके से बॉलीवुड में भी ये कुली नंबर 1 नए स्टोरी लाइन का इजाद करेगी? शायद नहीं, क्योंकि इस फिल्म में भी वही घिसी पिटी स्टोरी को फिर से रीमेक करके दिखाया जाएगा कि हीरो विलन की बदनामी करता है, विलन उससे फिर बदला लेता है, हीरो फिर उससे कुछ ना कुछ करता है, ऐसी कुछ घिसी पिटी लेकिन चटपटी कहानी आपको कुली नंबर 1 के रीमेक में देखने को मिल सकती है। वैसे बात हो गई इस फिल्म की स्टोरी की, हीरोइन की और बाकी एक्टर्स की, इस फिल्म में कौन वो एक्टर है जो मेन लीड निभा रहा है? इस फिल्म में जो मेन लीड निभा रहा है, क्या आपको पता है वो आज का गोविंदा कहलाता है? कौन है वो एक्टर? वो कोई और नहीं, डेविड धवन के लाडले वरुण धवन है। वो इस दौर के गोविंदा कहलाते हैं और इस फिल्म में भी वो गोविंदा के कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर गोविंदा की बात की जाए तो उनकी एक्टिंग के स्किल से लोग उनकी तरफ मुड़ जाते थे, लेकिन क्या वरुण धवन डांस ड्रामा के अलावा इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से लोगों को रिझा पाएंगे? ये तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा। वैसे देखना बाकी रहेगा कि आज के गोविंदा कहलाने वाले वरुण धवन गोविंदा से आगे बढ़ पाएंगे या फिर गोविंदा 2 ही कहलाते रह जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे गोविंदा से याद आया कि क्या इस फिल्म में गोविंदा की एंट्री हो सकती है? क्या डेविड धवन और गोविंदा में इस फिल्म से बातचीत स्टार्ट हो सकती है? तो जवाब है नहीं। वोडाफोन की नेटवर्क की तरह इन दोनों की रिलेशनशिप भी काफी बंद पड़ी हुई है। ये दोनों इस फिल्म में भी साथ कोलैब करते हुए नजर नहीं आएंगे। 2013 में गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस डेविड धवन को मैं जानता हूँ वो डेविड धवन ये नहीं है। वैसे मुझे नहीं पता कि डेविड धवन वो है या नहीं, लेकिन ये डेविड धवन डायरेक्टर डेविड धवन वाले नहीं है, क्योंकि इनकी पहले की फिल्में अगर देखी जाएं तो काफी बंधी हुई नजर आती थी। लेकिन अगर आज की मूवीज की बात की जाए, जैसे कि जुड़वा, वो काफी बिखरी हुई नजर आती है। तो क्या इस फिल्म से डेविड धवन इस इमेज को सही कर पाएंगे? आपको क्या लगता है ये आप बता सकते हो बॉलीग्रैड स्टूडियो के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। वैसे फिल्म ही रीमेक हो रही है तो गाने क्यों ना ही रीमेक हो। इस फिल्म का आइकॉनिक सॉन्ग मैं तो रस्ते से जा रहा था इस फिल्म में फिर से दिखाई देगा, जिसे रिक्रिएट करेंगे तनिष्क बख्शी। लेकिन इतने ज्यादा रिक्रिएशन हो चुके हैं तो क्या ये गाना इस फिल्म का USP बनेगा, क्या फिर बहुत बड़ी खामी बन के उभरेगा? ये फिल्म मई में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है।
तो क्या आपको लगता है कि ये फिल्म कैसे होने वाली है? ये सारी बातें आप बता सकते हो बॉलीग्राड स्टूडियो के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। बाकी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रिव्यूज और बॉलीवुड के बारे में जानने के लिए बॉलीग्राड स्टूडियो को फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।